हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं अपना डे टू का टास्क डीपीपी नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट, तो अपना जो 100 जेईई एडवांस मैथ्स डीपीपी का जो टारगेट हम लेके चले हुए हैं कि हर दिन आपको एक डीपीपी प्रोवाइड की जाएगी, टू बी स्टूडेंट्स मतलब सभी स्टूडेंट्स हर दिन अपना एक डीपीपी सॉल्व करेंगे और 10 प्रॉब्लम्स इस डीपीपी में दी गई हैं। तो सभी डिफरेंट टाइप की क्वालिटी प्रॉब्लम्स हैं, तो स्टूडेंट ने सभी प्रॉब्लम को आप रिग्रेसिवली अटेम्प्ट करूँ। ठीक है, नाउ तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमने दे रखा है सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम, 3 सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद में हमारे पास में 3 मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स एंड 4 न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक, आई होप अपने डीपीपी को देख चुके हैं और ट्राई भी कर चुके हैं। नाउ तो स्टार्ट करते हैं, ये इसका आंसर की है। नाउ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम है। ठीक स्टूडेंट, कैसे सॉल्व करेंगे। लेट एफ एंड जी आर द टू रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन। एफ और जी हमारे पास दो रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन दे रखे हैं। साथ में क्या दे रखा है, जी एक्स का इंटीग्रेशन एफ इनवर्स एक्स है। ठीक है, और एफ एक्स का ये वैल्यू गिवेन है। ठीक है, नाउ देन आपसे पूछा हुआ है 2 to 4 में एक्स इंटू जी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम है। ठीक है स्टूडेंट, तो सॉल्व करते हैं। हमें करना क्या है, हमें करना है x इंटू जी एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है 2 to 4 में। यहां तक की बात मुझे समझ में आती है। ठीक है, तो अब मान लो x इंटू जी एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो आगे x लिखा हुआ है। तो अब जैसे आगे x लिखा हुआ है, तो आपके दिमाग में एक बात समझ में आना चाहिए, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की हेल्प से हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या। हाँ कर सकते हैं, x को तो हमने बाहर निकाला, जी एक्स का इंटीग्रेशन किया हमने, कितना आएगा, जी एक्स का इंटीग्रेशन कितना गिवन है, एफ इनवर्स एक्स गिवन है। ठीक है ना, उसके बाद जो इंटीग्रेशन आया, फिर हमने यह बॉक्स को बंद कर दिया, 2 to 4 से लिमिट लगा दिया माइनस साइन। फिर आपने क्या किया, 2 to 4 जो लिमिट है उस लिमिट को एजिट रहने दिया। जिसको बाहर निकाला है उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स को हमने बाहर निकाला तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1, और जो इंटीग्रेशन यहाँ पर आया हुआ है उसको हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, एफ इनवर्स एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक की बात तो मुझे समझ में आई ना। अब इसको आगे जब हम सिंप्लीफाई कराएंगे, तो अपर लिमिट पुट कराओगे तो एफ इनवर्स 4 इंटू एफ इनवर्स ऑफ 4 माइनस ऑफ 2 इंटू एफ इनवर्स ऑफ 2 ये आ जाएगा। ओके, यहां तक की बात क्लियर है। अब 2 to 4 एफ इनवर्स एक्स डी एक्स। ठीक है, अब स्टूडेंट आगे समझो कि अब मुझे क्या करना है, एफ इनवर्स 4 और एफ इनवर्स 2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम ये वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, पहले तो आप इसको समझो, एफ को समझिए। मान लो कि हमारे पास में फंक्शन ए है, फंक्शन एफ है, दिस इज फंक्शन एफ। ठीक, अगर इधर से इधर देख रहे हैं तो फंक्शन एफ एक्स आ गया। अगर मैं इसको इधर से इधर देख रहा हूं, दिस इज फंक्शन एफ इनवर्स ऑफ एक्स, है ना, कुछ ऐसे मान लेते हैं। अब आपको क्या चाहिए, एफ इनवर्स 2 चाहिए, मतलब यहाँ पे इनपुट में 2 और 4, मतलब यहाँ 2 और 4, मतलब इसमें जब 2 डालेंगे एफ इनवर्स 2 तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी, और एफ इनवर्स 4 जब निकालना है तो इधर क्या वैल्यू आनी है। ठीक है, ये हमें पता लगाना है। अच्छा, इस बात को अब मैं एफ के अकॉर्डिंग देखूँ तो एफ में क्या इनपुट डालें कि आउटपुट 2 आए। ठीक है, एफ में क्या इनपुट डालें कि आउटपुट 4 आए, यही मुझे पता लगाना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 0। अगर मान लो आपने यहाँ देखा कि अगर x का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँ तो यहाँ 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 ये आ गया, मतलब 2 आया। ठीक है, तो 0 पे आउटपुट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है ना, अब 1 पे चेक करते हैं ना। अब मुझे आउटपुट 4 चाहिए, तो 4 निकालने के लिए क्या होना चाहिए। देखो, अगर यहाँ 1 पुट करते तो 1 प्लस 1 और 2 तो 4 हो गया, साइन पे ही कितना जाएगा, 0, मतलब 1 पे आउटपुट 4 आ रहा है। तो एक बात तो आपको समझ में आई कि एफ ऑफ 1 तो 1 प्लस 1 प्लस sin π 0 हो जाएगा प्लस 2, और दैट इक्वल्स टू कितना है, 4 आ गया, मतलब 1 पे वैल्यू कितनी आनी है, 4 आनी है एफ ऑफ 1 पर, है ना। मतलब यहाँ इनपुट में क्या होना चाहिए, 1, और आउटपुट में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक की बात तो समझ में आई। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आ गया कि एफ इनवर्स 2 का जो वैल्यू है दैट इज 0 होगा, और एफ इनवर्स 4 का जो वैल्यू है दैट इज कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक का अगर मैं पॉइंट अगर समझे तो क्या आ गया हमारे पास, 4 इंटू एफ इनवर्स 4 का वैल्यू तो 1 आ गया, माइनस ऑफ 2 इंटू इसका वैल्यू 0 आया। ठीक है, फाइनली इसका वैल्यू ये आ गया, माइनस ऑफ 2 to 4 एफ इनवर्स एक्स डी एक्स। ठीक है, यहां तक की बात तो मुझे समझ में आई कि इसका वैल्यू आ गया। अब मुझे करना क्या है कि इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करना है, एफ इनवर्स एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना है 2 to 4 में। अच्छा, एफ एक्स हमारे पास यहाँ गिवेन है,
क्या मैं यहाँ से एफ इनवर्स एक्स निकाल सकता हूँ क्या? मतलब इसको बराबर बाई पुट करके, बराबर हमने बाई से पुट किया और एक्स का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? नहीं कैलकुलेट हो सकता, क्योंकि ये कैसा एक इम्प्लीसिट फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मान लो ऐसे इंटीग्रेट नहीं होगा तो फिर कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो हम नाउ यहाँ पर आप एक तरीका सीखो, एक फॉर्मूला सीखिए आप। अगर मान लो ए टू बी में अगर आपने एफ एक्स को इंटीग्रेट किया, ठीक है, प्लस साइन, फिर आपने ये कि एफ इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट किया और लिमिट क्या है एक्स में, जब हमने ए डाला, मतलब अगर यहाँ इनपुट ए है तो ए पर एफ एक्स का आउटपुट एफ ऑफ ए आना चाहिए, यहाँ इनपुट बी है तो एफ एक्स का आउटपुट बी आना चाहिए। ठीक है, ऐसे इसी लिमिट में अगर ऐसे इंटीग्रेट कर रखा है तो इसका जो वैल्यू आता है वो कितना आता है? अपर लिमिट का प्रोडक्ट बी इंटू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस लोअर लिमिट का प्रोडक्ट, ये आ जाएगा, इसका वैल्यू ये आता है। अच्छा, आपके माइंड माइंड में एक सवाल ये आ रहा होगा, सर ये कैसे आया? ठीक, ये बहुत आसान है, इसको आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। कैसे? एफ इनवर्स एक्स को आप टी मानिए और देन इसको आगे एक्स बराबर एफ ऑफ टी डी टी आ जाएगा और देन इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इंपोर्टेंट क्या है इस रिजल्ट को याद रखना, दिस इज वेरी 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 इंपोर्टेंट। ठीक है, अब आपको देखो एफ इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन आपको चाहिए 2 to 4 में। ठीक है, तो इसके बारे में अगर समझते हैं तो मैंने ये क्या 2 to 4, तो मैंने यहाँ लिखा दिस इज एफ इनवर्स एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक है, इसका इंटीग्रेशन हमें चाहिए। अब एफ एक्स को इंटीग्रेट करना तो बहुत आसान बात होती है, कि एफ एक्स हमारा नॉर्मली दे रखा है। अब देखो, अब यहाँ से हमें समझना है कि यहाँ एफ एक्स लिखा हमने और डी एक्स लिखा। ठीक है, अब क्या है कि आउटपुट में 2 चाहिए, तो भाई इनपुट में एफ एक्स के इनपुट में क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, ये हमने अभी पहले देख चुके थे, आउटपुट में अगर 2 चाहिए तो इनपुट में 0 होना चाहिए एफ एक्स के, ना? और यहाँ आउटपुट में अगर 4 चाहिए तो यह इनपुट में कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा कितना है? अपर लिमिट का प्रोडक्ट -0 आ जाएगा, लोअर लिमिट का प्रोडक्ट। ठीक, ये आ गया ना। अब मुझे इस वाले पार्ट का वैल्यू चाहिए, तो एक काम करते हैं, कितना आ जाएगा इस वाले पार्ट का वैल्यू? 2 to 4 एफ इनवर्स एक्स डी एक्स, दैट इज 4 -0 to 1 एफ एक्स डी एक्स, ये आ गया ना। अब मैं एक काम करता हूँ, एफ एक्स 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स को अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ एक्स डी एक्स, तो 0 to 1 तो हमने यहाँ लिखा, एफ एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है? ठीक, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मुझे याद है, x³ + x + sin ऑफ πx +2, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। एक बार चेक भी कर लेते हैं, x³ + x है ना, sin πx + 2 ना, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो 0 to 1 में मुझे एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना है ना। अब देखो, जब इसको इंटीग्रेट कराएंगे तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन तो आ जाएगा x⁴/4, इसका आ जाएगा x²/2, sin πx को इंटीग्रेट कराएंगे तो cos πx माइनस में अपॉन में पाई आ जाएगा, प्लस का 2x, 0 to 1 ये आ गया ना। अपर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट को जब पुट कराएंगे तो कितना जाएगा? 1/4 यहाँ से आया, 1/2 यहाँ से आया, cos π, cos π का वैल्यू -1 होगा तो -1 प्लस हो जाएगा, यहाँ 1/π और प्लस का 2 आ गया। ठीक है, नाउ माइनस ऑफ, लोअर लिमिट को पुट किया तो यहाँ 0 आया, यहाँ 0 आया, cos 0 कितना होता है? 1 होता है, तो -1/π आ गया, प्लस में 0 आया, यहाँ तक आ गया अपना। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो एक काम करते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ तो कितना आ जाएगा? 3/4, 3/4 में 2 ऐड किया, 4 × 2 करेंगे तो 8, तो कितना? 8 + 3 कितना आ जाएगा? 11/4, तो यहाँ से है 1/π, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 2/π आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात तो मुझे समझ में आई। अब इस वैल्यू को मैंने क्या किया, यहाँ पर पुट कर दिया, कितना आया? 11/4 प्लस 2/π, तो यहाँ तो आ जाएगा 4 - 11/4 प्लस का 2/π। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स एक्स डी एक्स का है, बट मुझे किसका वैल्यू निकालना है? इसका वैल्यू निकालना है, और ये कितना आ रहा है, यहाँ थोड़ी जगह बना लेते हैं, इसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 4 - 2 to 4 एफ इनवर्स एक्स डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो 4 तो मैंने यहाँ लिखा ना, इस वाले पार्ट का वैल्यू पुट करते हैं, 2 to 4 एफ इनवर्स एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है? 4 - 11/4, 4 - ऑफ 11/4
प्लस टू अपॉन पाई, ये इसका वैल्यू आया, टू अपॉन पाई यहां तक आ गया ना। अब देखो 4 माइनस ऑफ 4 तो कैंसिल हो गया, फाइनली इसका वैल्यू कितना है, 11/4 प्लस का टू अपॉन पाई आया। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 11/4 प्लस टू अपॉन पाई, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट का क्या दे रखा है, डी दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको फर्स्ट प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर हुआ। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार प्रॉब्लम था, आई होप आपको ये प्रॉब्लम करने के बाद मजा आ गया होगा ना। ओके स्टूडेंट, तो ऐसी क्वालिटी प्रॉब्लम्स इस डीपीपी के अंदर में है, और ऐसे हमने जो 100 डीपीपीज हैं उन सबको ऐसे ही प्लान किया हुआ, ताकि जो स्टूडेंट्स की जो प्रिपरेशंस है वो एक नेक्स्ट लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, नाउ तो अब आगे चलते हैं हम अगली प्रॉब्लम की तरफ। अगली प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, हमारे पास में एक फंक्शन एफ दे रखा है ना, लेट एफ बी ए इन्वर्टिबल, एफ लिखा हुआ नहीं है, लेट एफ बी ए इन्वर्टिबल फंक्शन फ्रॉम आर टू आर एंड सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बराबर 0, देन द वैल्यू ऑफ एफ डैश 8 और एफ इनवर्स डैश 8, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना क्या आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है, अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किया आप सॉल्यूशन देख रहे हो तो गलत बात है ना। पहले आप प्रॉब्लम को पूरा ढंग से सॉल्व करो, जैसे बोलते हैं ना तन मन धन से, मतलब पूरे अच्छे से एफर्ट्स लगाइए आप। ठीक है, प्रॉब्लम के अंदर आपको क्वालिटी समझ में आएगा और उसकी खूबी समझ में आएगा ना। अच्छा देखो, अब मुझे क्या है, एफ डैश 8 निकालना है और एफ इनवर्स डैश 8 निकालना है, एफ इनवर्टिबल है ना, कुछ कुछ जानकारियां हमें दे रखी हैं। ओके, अब आपको करना क्या होगा, एक बार इसको, अब मान मेन मुद्दे वाली बात क्या, अगर किसी भी तरह से एफ एक्स निकल जाए, एफ एक्स निकल गया तो एफ डैश निकाल देंगे और उसका इनवर्स वगैरह निकाल के उसका इनवर्स का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर लेंगे, यही है अपना पॉइंट ना। तो अपना जो पहला टास्क है वो क्या होना चाहिए, एफ एक्स फाइंड आउट करना होना चाहिए। ठीक है, अच्छा कभी भी अगर ऐसे इक्वेशंस आपको मल्टीप्लाई करके दे रखी होती है, जैसे यहाँ पर ऐसे कुछ गिवेन है, ठीक है ऐसे गिवेन है, तो एक काम क्या करो, पहले आप उनको अंदर मल्टीप्लाई करके देख लिया करो, शायद हो सकता है कोई खास जुगाड़ आपको मिल जाए, मतलब आगे सॉल्व करने का। माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ f² ऑफ x, हमने यहाँ लिखा प्लस का 2 टाइम्स ऑफ x³ इंटू fx प्लस fx - x³ = 0 है। ठीक है, तो यहाँ कितना आ रहा है, fx - x³। अच्छा इन दोनों को अगर देखें आप, यहाँ से अगर आपने f² अगर कॉमन ले लें तो ये अंदर क्या बनेगा, fx - x³। वाह ना, तो कुछ कुछ बात बन रही है। अच्छा यहाँ से अगर मान लो मैं 2fx अगर कॉमन लूँ तो 2fx यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ तो fx बचा, यहाँ x³ आया प्लस साइन ऑफ, यहाँ कितना आ जाएगा, fx - x³ = 0, ये आ गया नाउ। तो fx - x³ तो हमने यहाँ लिखा, ठीक है तो इसी कितना आ जाएगा, f²x - 2fx + 1 = 0। अरे वाह, अब तो क्या प्रॉब्लम बहुत आसान हो गया, अब तो क्या आपको सारी बात समझ में आ गई यहाँ से। क्यों बच्चों, fx - x³ यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, fx - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है दैट इज बराबर 0 आ गया। तो यहाँ से तो कितना है, fx = x³ और fx = 1 आ गया। ठीक है, एफ एक्स इन्वर्टिबल है तो ये तो होगा ही नहीं, इसलिए fx = क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो ये बात मान, अच्छा इसका इन्वर्स निकालते हैं, तो x³ आपने y रखा तो x² कितना आ जाएगा, y^1/3। अच्छा स्टूडेंट्स अभी क्या लाइट जा चुकी है, तो क्या अगर मेरा फेस सही से नहीं भी दिखाई दे रहा है, इट डजेंट मैटर है ना, मेरा फेस मैटर नहीं करता है, आपको कंटेंट समझ में आना चाहिए और बोर्ड जो स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, मतलब वो आपको दिखना चाहिए ना, मैटर ये करता है ना। तो अगर कुछ दिक्कत जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं, फेस नहीं भी दिखाई देता है डजेंट मैटर है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सब समझ आना चाहिए हमें। एफ एक्स, और अब क्या करें, एक्स को तो आप एफ इनवर्स एक्स से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है वाई को आप एक्स से रिप्लेस कर दोगे, तो ये आ गया f(x)(1/3) आ गया। ठीक है, यहां तक की बात तो आपको समझ में आई। अब सवाल में क्या पूछा, f′8 और एफ इनवर्स का डिफरेंशिएशन, और फिर 8 पर उसका वैल्यू है ना। तो यहां से देखो, पहले मैंने f′x निकाला, जैसे 3x² आ जाएगा, तो f′8 अगर मैं लिखूंगा ये तो कितना बन जाएगा, 3 × 8² आया ना। इसको डिफरेंशिएट किया, एफ इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन
कितना आ जाएगा, 1/3, और एक्स पावर में कितना, 1/3 -1 कराएंगे तो -2/3 आया, ठीक है। और यहां पर भी क्या हमसे 8 पर ही वैल्यू पूछा हुआ है, तो मैंने क्या किया, यहां से निकाला एफ डैश, एफ इनवर्स ऑफ डैश है ना, चाहे यहां लिखो या बाहर लिखो, एक ही बात है वो, यहाँ 8 आ गया और डैश है ना, तो यहां पर लिखा हमने 1/3 8 पावर -2/3, ठीक है। तो 1/3 तो हमने यहां से लिखा, 2 क्यूब यहाँ लिखा, तो 2 क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/4 आ गया, ठीक है। तो ना इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, एफ डैश 8 इंटू एफ इनवर्स ऑफ डैश है ना, यहाँ कहीं डैश लगा देते हैं, तो 3 इंटू 8 स्क्वायर तो हमने यहाँ लिखा, और ये कितना आ जाएगा, 1/3 इंटू 4, 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से जो 8 इंटू 8 लिख लेते हैं इसको, तो 8 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 8 इंटू 2 कितना, 16 आ जाएगा। दिस इज आर फाइनल आंसर, क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, सेकेंड का कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी आ रहा है, तो क्या गिवन है हमारे पास, सेकेंड का ऑप्शन बी इज करेक्ट ना, ठीक है, आंसर गिवन बी दिया हुआ था। ओके स्टूडेंट, अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बेहतरीन प्रॉब्लम है, बेहतरीन मतलब इन प्रॉब्लम्स को अगर आप अपने किसी फ्रेंड से पूछते हो ना, अच्छा ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करके बताओ, मैं गारंटेड बता रहा हूँ कि अगर आप 10 में से पूछते हो तो 10 में 10 तो कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा ना। अगर आप जैसे मान लो 100 की बात करें, तो 100 में से 20 स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं, 10 में से आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत ही कम, जो वास्तव में इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा वही कर सकता है, या जिसने इन डिटेल पढ़ा होगा, ठीक है, वही कर सकते हैं इन सभी प्रॉब्लम्स को। नाउ अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नॉर्मल ड्रॉन एट पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी ऑफ ए पैराबोला आर कॉन्करेंट एट पॉइंट एंड 4,2, 4,2 पर कॉन्करेंट है, ठीक है ना, हमारे पास दे रखा है ए के कोऑर्डिनेट है 3,3 और बी के कोऑर्डिनेट है 1,-1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू, कौन सा ट्रू हो सकता है, इसका फोकस क्या होगा, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, एंड नंबर ऑफ पैराबोलाइज ना, ऐसे पूछा हुआ, मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम है, मतलब एक से ज्यादा इसके आंसर सही है। तो अब देखो प्रॉब्लम को जब सॉल्व करना है तो बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, अगर आपने नहीं किया है तो भैया ऐसे आप सॉल्व करो ना, आप समझो बात को, जैसे मान लो कि हमारे पास में एक पैराबोला, अच्छा ये वाला पैराबोला नहीं लेते, क्योंकि पैराबोला क्या है, अलग मतलब कोई भी एट्रेंडम पैराबोला दे रखा है ना, ये वाला पैराबोला नहीं है, तो मैं ऐसे एट रैंडम ही डायग्राम बनाता हूँ, ये एट रैंडम ऐसे कुछ है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे नहीं बना रखे ना, मतलब ये कुछ ऐसे बना हुआ है डायग्राम की अगर बात करें तो, ये पैराबोला बना हुआ है, ठीक है। अब इसको ऐसे दिखा रहे हैं, मान लो कि हमारे पास में किसी पॉइंट पर कलर थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया, मान लो कि यहाँ हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, और मान लेते हैं कि हमने यहाँ यहाँ पॉइंट ए ले लेते हैं, यहाँ पॉइंट बी ले लेते हैं, यहाँ पॉइंट सी ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ एक ऐसे नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये जो नॉर्मल्स हैं कहाँ कॉन्करेंट हो रहे हैं, पॉइंट एन पर कॉन्करेंट है, 4,2 उसके कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है, और वर्टेक्स ए के हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3,3, वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,-1, ठीक है, इतनी जानकारी आपको दे रखी है, एंड यू हैव टू फाइंड द पैराबोला, आपको पैराबोला निकालना है, अच्छा पैराबोला निकालना है या उसका फोकस पता करना है और डायरेक्ट्रिक्स मालूम करना है ना, आप ये समझो। अब इतनी जानकारी से आप कैसे निकालोगे, क्या खास बात आपको पता होना चाहिए कि भाई हम इसे निकालें, फोकस कैलकुलेट करना है और डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अच्छा आप देखो कुछ कुछ बातें सीखो, आप पहले तो आप कुछ पॉइंट सीखिए, आपको देखो पहला पॉइंट नंबर वन, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर पैराबोला पर डायरेक्ट्रिक्स से अगर हम टेंजेंट अगर ड्रॉ कराएं तो ये टेंजेंट कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या पॉइंट बोला है कि जो इन केस ऑफ पैराबोला जो होता है, डायरेक्टर सर्कल का आपने नाम सुना होगा, डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है, डायरेक्ट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, डायरेक्टर सर्कल का मतलब क्या हुआ कि इस कर्व के किसी भी पॉइंट से अगर सर्कल पे, सॉरी कर्व पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कराएं, कर्व क्या है, पैराबोला है, इस पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कराएंगे तो एंगल बिटवीन टेंजेंट कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, पहला पॉइंट तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इस प्रॉब्लम में कुछ खास बात थी, कुछ हिडन था, हिडन क्या है कि जैसे मैंने मानो क्या क्या स्लोप ऑफ ए एन कैलकुलेट किया, ए एन का स्लोप निकाला कितना आ जाएगा, 3-2 है ना, तो ऊपर तो 1 आया, y2-y1 अपॉन x2-x1, 3-4 करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। अब इस वाली स्लोप ऑफ बी एन कैलकुलेट करते हैं, इस लाइन का स्लोप निकालते हैं,
इसका स्लोप कितना आ जाएगा? वाई टू माइनस वाई वन किया तो 3 आ गया, अपॉन में क्या करेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन करेंगे, तो 4 माइनस 1 किया तो 3 आया, मतलब इसका वैल्यू 1 आया और इसका वैल्यू -1 आया, कहने वाली बात ये। अच्छा, तो कहने वाली बात ये रही कि इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, मतलब ये दोनों कैसे है, परपेंडिकुलर है। अब देखो सारा खेल यही था कि अगर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आई, ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल भी 90 है और ये एंगल भी 90 है, तो अब आप वो तेज बच्चे हैं ना, तो आपको कुछ कुछ बात तो समझ में आई कि गुरु जी अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, और मान लो बच्चों अगर हम यहाँ पर भी एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करें, ठीक है, तो भाई ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये समझ रहे ना, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल है, तो यहाँ एंगल 90 है, तो मतलब ये एंगल भी 90 हुआ। अच्छा, अगर ये एंगल 90 डिग्री हुआ तो मतलब इन दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो भैया कहाँ आ जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स में, मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स हुआ हिसाब से, बहुत ही कमाल की बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात कही हमने ना। अगर मान लो ये डायरेक्ट्रिक्स हुआ बेटा, तो डायरेक्ट मतलब इन दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्ट्रिक्स पर आ रहा है, क्या कमाल की बात है ना, अगर डायरेक्ट्रिक्स पे आ रहा है और ये ए और बी पॉइंट है, तो ठीक है, अब आपको एक बात समझ में आई कि अगर यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूँ, तो भैया ये अपने आप में क्या बनेगा, फोकल कॉर्ड बनेगा। एक और प्रॉपर्टी सीखो पॉइंट नंबर 1 कि यहाँ पॉइंट नंबर 1 में ही पॉइंट नंबर 2 समझो, अगर यहाँ से अगर आपने ऐसे दो टेंजेंट ड्रॉ कराई है, अगर मान लो ये पॉइंट ए पे टच कर रहा है और ये पॉइंट बी पे टच कर रहा है, तो ए और बी को अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये अपने आप में एक कॉर्ड बनेगी, और इस कॉर्ड की एक खासियत होगी कि दैट इज फोकल कॉर्ड, ये फोकस से पास करेगी, ठीक है। तो अब आपको बच्चों एक बात ये मालूम चल गई कि अगर मैं ए और बी को अगर आपस में ज्वाइन करता हूं तो दैट इज फोकल कॉर्ड, ये एक फोकल कॉर्ड आ गया, यहां तक की बात भी हमें क्लियर हुई ना, कुछ कुछ बातें आप समझते चलो ना बहुत ध्यान से। अब देखो पॉइंट नंबर 1 आपने समझा, पॉइंट नंबर 2 आपने समझा, अब मैं आपको एक और पॉइंट समझाता हूँ। एक और पॉइंट क्या है कि अब आप समझिए कि इस पॉइंट को मैंने क्या किया, यहां से इसे ज्वाइन किया, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, ग्रीन कलर लेते हैं, यहां से ऐसे ज्वाइन किया। अब आपको बेटा एक बात पता होना चाहिए कि देखो अब यहां पर ये 90 डिग्री है, मतलब अगर इसको मैं डायमीटर मानते हो, अगर एक सर्कल ड्रॉ कराऊं, सर्कल कुछ ऐसे जाएगा और इसको यहां से पास करेगा, क्या कहते हो आप लोग, मानते हो बात को, भाई यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो हाफ सर्कल में जो ये बनेगा तो ये डायमीटर बनेगा। अच्छा, ये डायमीटर हो गया और यहां पर टच करके जाएगा जाएगा, अब टच करके जाएगा तो अब देखो यहाँ टच कर रहा है तो मतलब ये लाइन इस पर नॉर्मल हुई, ये सेंटर से पास कर रही है, ये लाइन सेंटर से पास कर रही है, तो मतलब ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कहना हम ये चाह रहे हैं अगर डायग्राम को फिर से बनाएं, मान लो अगर ये पॉइंट हमारे पास में ए बी सी एन हमने यहाँ ले लिया, मान लो कि ये पॉइंट डी ले लेते हैं, तो एम एम ले लेते हैं, एन दे रखा है तो ये पॉइंट एम लेते हैं ना, ये पॉइंट एम है और ये पॉइंट एन है, तो एम और एन की अगर मैं बात करूं तो भैया दैट इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है। अच्छा, डायग्राम को भाई समझना कि मैं ऐसे कोई डायग्राम बना रहा हूँ ना, ये एक्सिस मान लिया, ये पैराबोला मान लिया ना, इस तरह से ना, क्या आपको ये बात मालूम चली, ठीक, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, अगर आपको ये समझ में आ गया ना, मतलब क्लियर हो गया प्रॉब्लम ना। तो अब देखो हमारे पास में 4,2 यह आया, भाई ये टेंजेंट था, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन सेंटर से पास कर रही है, तो मतलब ये लाइन सर्कल पे नॉर्मल है, सर्कल पे अगर ये नॉर्मल है तो मतलब ये लाइन टेंजेंट है, ओके बात समझ गए आप लोगों को ना। अब आपको एक पॉइंट तो ये समझ में आ गया, अच्छा अब एक पॉइंट हमें ये भी समझ में आया कि भाई 90 90 90 डिग्री ऐसा कुछ लिखा हुआ ना, तो यहाँ तक आया। अब कुछ कुछ पॉइंट और समझो कि पॉइंट क्या है कि भैया ये चारों पॉइंट 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री बना हुआ है, अगर चारों ही अगर 90 डिग्री है तो भैया ये तो या तो रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर बन रहा होगा, स्क्वायर या रेक्टेंगल बन रहा होगा तो मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट और इन दोनों का मिड पॉइंट भी कोइंसाइड करेगा पॉइंट नंबर 3 में ना, काफी सारे पॉइंट्स आते हैं ना, बड़ा ही भयानक और अच्छा प्रॉब्लम है ना, मतलब भयानक तो नहीं, बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है ना। अब देखो इन दोनों का मिड पॉइंट, अब मैं इसे कोऑर्डिनेट निकालता हूँ, क्या हम एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आपको पता है ना बच्चों, इन दोनों का मिड पॉइंट और इन दोनों का मिड पॉइंट, मान लो आपने एक्स को अल्फा कोमा बीटा मान लिया, तो अल्फा +4 अपॉन में 2 डायरेक्ट करते हैं ना, और 3 + 1 कितना आ गया, 4/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ तो 4 आया, मैं लिख देता हूँ एक बार को, चलो अल्फा यहाँ लिखा, यहाँ से 4 लिखा, अपॉन में 2 लिखा,
यहाँ से हमने लिखा 3 + 1/2 लिखा, 2 से 2 कटा 4 से 4 कटा, अल्फा का वैल्यू कितना आया, 0 आया। ठीक है, अब उसके बाद में हम बीटा कैलकुलेट करते हैं। तो बीटा वाई कोऑर्डिनेट, बीटा मान लिया अल्फा कॉमा बीटा लेके चल रहे, तो बीटा प्लस 2 यहाँ लिखा अपॉन में 2 यहाँ लिखा, यहाँ से कितना आ जाएगा 3 + -1/2 लिखा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब बीटा के कोऑर्डिनेट भी 0 0 आए, मतलब इसके कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 0 0 आया। ठीक है, तो यहां तक की बात भी हमें मालूम चली। ओके, अब डायग्राम को थोड़ा ढंग से फिर से बनाते हैं ना। अब देखो, आपको डायग्राम मैं फिर से बनाता हूँ, समझना बातों को ना। कलर भी कुछ चेंज करते हैं, लेते हैं इस बार ये वाला कलर लेते हैं, ऐसे कुछ रहा। ठीक है, यहाँ पर ए पॉइंट पे एक ऐसे कुछ गया हमारे पास को नॉर्मल पॉइंट, ये यहाँ पर आया, मान लेते कि ये पॉइंट एन है, और ये कुछ ऐसे करके एम पॉइंट ले लेते हैं, ये एन पॉइंट है, और दिस इज एक्सिस ऑफ पैराबोला ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात है, समझ में आई। पॉइंट ए पता है, पॉइंट बी पता है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 3, 3, और बी के कोऑर्डिनेट है 1, -1। यहाँ तक हमें मालूम चला, पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट 0, 0 आ गया, पॉइंट एम जो होगा वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा, इतना भी हमें मालूम चल गया है। ठीक है, और एक तीसरा वाला नॉर्मल हम यहाँ से निकाल रहे हैं ना। ठीक है, ये पॉइंट ए बी सी ले लेते हैं ना। अब देखो, हमसे क्या क्या पूछा गया है कि 0, 0 यहाँ पर है, तो एन कॉमा एन के जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आ रहा है, 4, 2 आ रहा है, 4, 2 आया। अब समझो बात को कि भाई स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर मैं लिखूं कितना जाएगा, y2 - y1, तो 2 - 0/4 - 0, तो कितना आ गया, 1/2 आया। तो इस डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप अगर, सॉरी, इसका स्लोप अगर ये आ गया 1/2 आया, तो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आएगा। ठीक, तो हमें एक बात तो मालूम चलेगी, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, जबकि इसमें कितना ना -1/2 भी मैंने, मतलब ये अपना ऑप्शन नहीं हो पाएगा ना। ठीक, उसके बाद में अब मुझे करना क्या, फोकस निकालना है। तो फोकस कैसे निकालेंगे, अब देखो फोकस निकालने के लिए फिर से आप कुछ कुछ बातें सीखो, तो बात को बड़े ध्यान से समझना। अब यहां पर भी कुछ कुछ पॉइंट आपको सीखने पड़ेंगे, बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, मतलब गजब का प्रॉब्लम है। कि पहली बात तो आप ये सीखो कि एक प्रॉपर्टी सीखते हैं, मान लो कि ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो यहां पर हमने इसे कोई टेंजेंट ड्रॉ किया पैराबोला पर, मान लो कि ये पॉइंट ए है, तो जो पोर्शन ऑफ टेंजेंट आता है बिटवीन कर्व एंड डायरेक्ट्रिक्स, ये पोर्शन ऑफ टेंजेंट हुआ, ये क्या करता है, फोकस पर 90 डिग्री एंगल सबस्टेंड करता है। पहली बात तो ये पता होना चाहिए। ऐसे अगर मान लो कि पहला पॉइंट, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, पॉइंट नंबर वन कह सकते हैं फिर से, दूसरा प्रॉपर्टी। अब आप मान के चलो कि ऐसे हमने एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कराया, दो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कराए, ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, पहली बात तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये ए बी अपने आप का फोकल कॉर्ड होगा, ये भी आप सीख चुके, फोकल कॉर्ड होगा। ठीक है ना, अब क्या है, पॉइंट को समझो, मैंने क्या किया कि ये फोकस है, इसको मैंने यहां ज्वाइन कर दिया, तो ये एंगल 90 डिग्री आया, इस कर्व और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की बात करें तो ये एंगल 90 डिग्री आया, मतलब ये एंगल कितना है, 90 90 कुछ ऐसा आ गया। अच्छा, तो अब मैं एक पॉइंट ये कह सकता हूं कि मान लो अगर ये पॉइंट एम है, तो फोकस क्या है, इस वाले एम पॉइंट से फोकल डायरेक्ट्रिक्स पर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, मतलब एम से अगर मैं इस लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालूं, तो उसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे, एक्चुअली जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा वो अपने आप में क्या आएगा, फोकस आएगा। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको अब ये प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर हुआ ना। अब मुझे फोकस निकालना है, तो फोकस निकालना है तो फोकस पर फोकस करना है, तो समझो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3, 3, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है 1, -1, 1, -1। ठीक है, फोकस कैलकुलेट करना है, इसके कोऑर्डिनेट है 0, 0, तो इक्वेशन ऑफ ए बी निकालते हैं। तो पहले स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, y2 - y1, तो 3 - -1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, अपॉन में ये 4, 1 है, सॉरी है ना, 4, 1, 3 - का 4 किया तो -1 आया, स्लोप ऑफ ए बी की बात करें तो -4 तो स्लोप आ गया। इक्वेशन की बात करते हैं, तो y - y1, तो 3 ले लिया हमने, m -4 × x - x1 यहां तक आया, तो y - 3 = कितना आया, -4x + 12 आया, मतलब 4x + y = कितना आ गया, 15 आया।
ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन कितना आ गया, 4x + y = 15 आया ना। अब मुझे करना क्या है, 0,0 से फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। एक काम करते हैं, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन लिख दो 0,0 से पास करें, तो इक्वेशन ऑफ एम एस निकाल देते हैं। एम एस का इक्वेशन, तो क्या करते हैं, एक्स को यहाँ लिखा, 4 को यहाँ लिखा, ठीक है, बीच में माइनस साइन लगाया, बराबर कुछ कॉन्स्टेंट आना है, तो 0,0 से पास कराओ तो क्या आता है, 0 आ रहा है, तो मतलब ये वैल्यू आ गया। या आपको समझ में आया मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा, बहुत ही बढ़िया तरीका होता है ना। पहले ऐसे लिख दो, ठीक है, एक्स मतलब इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, 1 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, एक्स और बीच में माइनस साइन लगाता है, x - 4y बराबर में कुछ आना है, तो यहाँ से सेटिस्फाई कराओ, 0,0 से कुछ कराया, डी बराबर डी मान लिया, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ गया, तो डायरेक्ट 0 पुट कर दिया। ऐसे कैलकुलेट करूँ, ठीक है, तो एक्स बराबर 4y आया, तो एक्स की वैल्यू मैं 4y यहाँ डाल देता हूँ, 4y जैसे डालेंगे तो 4 × 4 तो 16y आ गया, और ये कितना बन जाएगा, 17y, 17y = 15, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 15/17, y का वैल्यू 15/17, तो x का वैल्यू 4y आ रहा है, तो 4 यहाँ लिखा, 15 यहाँ लिखा और 17 यहाँ लिखा, तो ये 15 × 60/17 आ गया, x का वैल्यू ये आ रहा है, कुछ ऐसे ही आ रहा है क्या, कहीं कुछ गलती कर दी बेटा ना, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। 3,3 यहाँ पर लिखा हुआ, 1,-1 यहाँ पर लिखा हुआ, सॉरी है ना, गलती हो गई ना, ये 1,-1 था, ये 4 नहीं है, 1,-1। अच्छा, अब स्लोप कितना आ रहा है, 3 - 1 कराएंगे तो ऊपर 4, ठीक है, 3 - 1 कराएंगे तो यहाँ 2 आएगा, प्लस का 2 आएगा और स्लोप आ रहा है 2 आ रहा है, स्लोप अगर 2 आया तो लाइन यहाँ पर प्लस का 2 बना, प्लस का जब 2 बनेगा तो अंदर जब जाएंगे तो प्लस का 2x आएगा और यहाँ पर माइनस का 6 बनेगा, ठीक है, माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 2x - y, पूरा ही चेंज करके लिख देते हैं, ये रफ कर देते हैं, ये रफ करते हैं, तो ये बनेगा 2x - y, 2x - y -6 इधर गया तो प्लस का 3 बना, ठीक है ना, -6 + 3 सही है ना। अब देखो इस लाइन को लिखना है तो फिर से लिखो, डायरेक्ट ही लिखते हैं, एक्स इधर गया तो ये बनेगा x + 2y और बीच में आएगा प्लस साइन, और 0,0 पुट कराया तो डी का वैल्यू 0 आ रहा है, तो ये आ गया, एक्स का वैल्यू 2y आया, तो 2y अब यहाँ डालो ना, तो ये सब रफ करते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई ना, हो जाती है ना, वो अब थोड़ा ध्यान भी देते रहा करो। अब एक्स का वैल्यू अपने -2y यहाँ डाला, क्या फिर से मिस्टेक तो नहीं कर रहे ना, वाई का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। ओके, एक बार इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ ढंग से, क्या किया है हमने, पॉइंट से हमारे पास 3,3 लिखा हुआ है, 3,3 एंड 1,-1 है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 - 1 तो प्लस का 4 यहाँ से आ जाएगा, 3 - 1 तो 2 यहाँ से आ जाएगा, 4/2 2 यहाँ से आ जाएगा, ओके, y - 3 यहाँ से लिखा है, 2 × x - 3 यहाँ पर लिखेंगे तो 2x यहाँ से आ गया, -6 आ जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का 3 आ गया, 2x - y प्लस का 3 यहाँ से आ जाएगा, और दैट इज x + 2y यहाँ से बना, 0,0 d आ जाएगा, ठीक है, x का वैल्यू आ गया -2y, ठीक है, x का वैल्यू -2y अगर आप यहाँ पुट करते हैं, -6 इधर लेके आए तो प्लस का 3 बनेगा, ठीक बात है बेटा ना, तो यहाँ से तो फिर ऐसा है, 2x का वैल्यू आ जाएगा -2y, तो -2y तो यहाँ से रखा, -y यहाँ रखा, दैट इक्वल्स टू 3 आया ना, ये बन गया अपना -5y = 3 आ रहा है, वाई का वैल्यू कितना है, -3/5, तो एक्स का वैल्यू आ रहा है -2y, तो 2 यहाँ पर लिखा है, वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3/5, तो ये आ जाएगा 6/5, ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है, तो वाई का वैल्यू आया 6/5 और सॉरी एक्स का वैल्यू 6/5 आया, वाई का वैल्यू आ रहा है 3/5 करके आ रहा है, आई थिंक यहाँ पर कुछ गलती हो गई ना, ठीक है, तो आई ओके स्टूडेंट, अच्छा एक बात आप समझिए, आई थिंक शायद मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं ना कहीं कर दी है, या फिर आंसर में कहीं गलती है ना, या तो यहाँ पर फोकस में वाई कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए ना। वेल, आपको एक बात तो समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, फिर आप कैलकुलेशन वाला पार्ट आसानी से कर सकते हो, प्रॉब्लम वाला पार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे हमसे पूछा हुआ है नंबर ऑफ पैराबोला इज, तो नंबर ऑफ पैराबोला कितने होंगे, एक या दो, हाँ ऑब्वियस है, एक ही फोकस आ रहा है ना हमारे पास सॉल्व करने पे, दो फोकस तो आई नहीं, एक ही डायरेक्ट्रिक्स आएगी, तो जब एक ही फोकस है, एक ही डायरेक्ट्रिक्स आ रहा है, तो नंबर ऑफ पैराबोला कितने आएंगे, 1 आएंगे, तो
अकॉर्डिंग दैट हमारे पास में सी ऑप्शन होना चाहिए। अगर मैं इसी की बात करूँ तो सी ऑप्शन होना चाहिए, बट आई थिंक मेरे ख्याल से ऑप्शन में और भी कुछ ए दे रखा है शायद, है ना। चौथे का ए और सी है ना, ए और सी आंसर आ रहा है, ए और सी आंसर आ रहा है। या तो मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया या फिर यहाँ कहीं मिस्टेक है, तो आप आई थिंक आप समझ लोगे ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं नेक्स्ट फॉर। अच्छा स्टूडेंट, ये वाला जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है और बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को मैं कंप्लीट सॉल्व नहीं करूंगा, बट आपको मैं हिंट दे दूंगा ना, और आप कर भी लोगे इसे आसानी से ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। हमारे पास में थ्री प्लेन है, प्लेन दिस प्लेन दिस प्लेन दिस हैव ए कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब इस प्लेन की बात करें, एक और प्लेन ले लें ये आ गया, और एक तीसरा प्लेन ये ले लें, तो मतलब तीनों प्लेनों का जो कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। आर डॉट एक्स वन का मतलब क्या हुआ, इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर क्या आ रहा है, एक्स वन आया, इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर एक्स टू आया, और इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर एक्स थ्री आ रहा है। तो अगर तीनों वेक्टर्स ऐसे हैं तो भाई एक्स वन, तो हम ये कह सकते हैं ना कि अगर जैसे आपको यहाँ से समझो, अगर आप वीडियो समझ पा रहे हैं, तो ये दो प्लेन हो गए, एक तीसरा प्लेन के बीच में, तो एक वेक्टर ऐसे गया, एक वेक्टर ऐसे गया, एक वेक्टर ऐसे गया, तो भाई मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक्स वन वैक्टर, एक्स टू वैक्टर और एक्स थ्री वैक्टर आर को प्लेनर। भाई तीनों वैक्टर्स कैसे होंगे, को प्लेनर होंगे। अगर तीनों वैक्टर्स अगर को प्लेनर हुए तो भैया एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, सही बात है ना, तो हमसे यही तो पूछा हुआ है। अब देखो सवाल में फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस है ना, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले तो इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई, जीरो आ गई। ठीक है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो समझो बात को, तो इसका आंसर तो आया जीरो। ठीक है, अब एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री एक ही प्लेन में है, तो आपने इन दोनों का क्रॉस निकाला और इन दोनों का क्रॉस निकाला। भाई अगर मान लो कि मैं ऐसे बताता हूँ आप समझो ना, ये एक प्लेन है, इसमें तीन वेक्टर्स हैं, मतलब एक वेक्टर एक्स वन है, एक वेक्टर एक्स टू है, इस प्लेन में तीन वेक्टर, एक्स वन क्रॉस एक्स टू ऊपर ही जाएगा। मान लो एक और प्लेन एक्स थ्री आपने ले लिया, तो एक्स टू एक्स थ्री भी निकालेंगे तो ऐसे ही जाएगा, इसी प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगा। तो ये दोनों वैक्टर कैसे हो गए, पैरेलल वैक्टर, पैरेलल वैक्टर क्रॉस कितना आ जाएगा, जीरो। ऐसे अगर बात करें तो ये यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है टू टाइम्स ऑफ, ऐसे यहाँ प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आई, जीरो आई। अब बात समझे कि एट एक्स टू क्रॉस एक्स थ्री प्लस फाइव यहां लिखा हो, प्लस थ्री टाइम्स ऑफ, ठीक है, और इसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है ना। अब आप समझो बात को, एक्स टू क्रॉस एक्स थ्री, तो हमारे पास ये वेक्टर आ जाएगा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ये भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और ये भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। इसका आपको क्रॉस निकालना है, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट, तो इस वाले पॉइंट को समझिए ना, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इसका वैल्यू कितना आएगा ना, हमें इसके बारे में पता करना है। अच्छा एक बात आप समझो कि अगर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अगर को प्लेनर वेक्टर्स हैं, तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि एक्स वन क्रॉस एक्स टू ऊपर ही जाएगा, एक्स टू क्रॉस एक्स थ्री भी इसके ऊपर ही रहेगा, इस प्लेन के ऊपर रहेगा, और एक्स थ्री क्रॉस एक्स वन की भी अगर हम बात करें तो वो इस प्लेन के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो हमने एक बात ये बोल सकते हैं कि भाई अपना एक पॉइंट ये कहा जा सकता है कि जो एक्स वन क्रॉस एक्स टू और एक्स टू क्रॉस एक्स थ्री और एक्स थ्री क्रॉस एक्स वन, ये तीनों वेक्टर्स कैसे आएंगे, ये भी कोप्लेनर होंगे। अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो इट मीन कि एक्स वन क्रॉस एक्स टू मतलब किसी भी एक वेक्टर को आप रिमेनिंग टू वेक्टर्स के, ठीक है मैं इसको स्मॉल एक्स वन एक्स टू लेते हैं ना ताकि लिखने में आसानी रहे ना, कितना आ जाएगा सब कोप्लेनर मतलब किसी भी एक वेक्टर को हम रिमेनिंग थ्री वेक्टर्स के, रिमेनिंग टू वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं ना। आई होप आपको ये वाला पॉइंट पता होगा ना। अब क्या है कि यहां से अगर इसको आप सॉल्व करें ना, एक्स वन एक्स टू कुछ ऐसा है, अब मुझे लैम्डा और भी फाइंड आउट करना है, तो एक काम करता हूँ उसका एक्स वन के साथ डॉट लेते हैं। एक्स वन के साथ डॉट लेंगे तो भाई जब ये एक्स वन छोटा वाला एक्स वन एक्स टू लेते हैं, एक्स वन के साथ जब डॉट लोगे तो ये वाला वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से ये तो जीरो आया, लैम्डा यहाँ से आया, एक्स वन डॉट एक्स टू एक्स थ्री आया, मतलब बॉक्स ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री आया, ये आया प्लस टाइम्स ऑफ, इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा, जीरो। अच्छा बॉक्स ऑफ दिस इसका वैल्यू अगर जीरो आया
तो बॉक्स ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री का वैल्यू कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री भी अगर कोप्लेन है तो लेमडा का वैल्यू कितना है, जीरो आया। ठीक, मतलब एक तरह है लैम्डा और म्यू के हर एक वैल्यू के लिए अगर सेटिस्फाइड होगा, तो हर एक वैल्यू के लिए अगर सेटिस्फाइड होगा तो फिर हम एक पॉइंट ये कह सकते हैं ना आसानी से कि 8, 5 और 3 का कॉम्बिनेशन ले लो ना, मगर ये कोप्लेनर है तो मतलब एक इस तरह का रिजल्ट एग्जिस्ट कर सकता है हमारे पास में, कि जिसे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 8 टाइम्स ऑफ, ठीक, 8 टाइम्स ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, 3 टाइम्स ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, अगर ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो ऐसे एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा तो इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू भी कितनी आनी है, जीरो आनी है। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई है ना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये अगर कोप्लेनर है तो ये भी अगर कोप्लेनर होंगे, ये भी अगर कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो भैया इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कैसा आएगा, हमेशा जीरो आएगा। मतलब किसी भी एक, मान लो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है, अगर एक कोप्लेनर है तो भैया एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी का वैल्यू कितना आना है, जीरो आना है ना। एक्स वाई जेड हमारे पास भी कैसे रहेंगे, रियल नंबर रहेंगे। ठीक है, तो ये हमेशा वैलिड होगा एक्स वाई जेड का। तो हमने क्या ले लिया, 8 इंटू समथिंग ले लिया, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आनी है, जीरो आनी है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई। अच्छा, इसकी वैल्यू भी अगर जीरो आई, ये सब जीरो आ रहा है, तो फाइनली ओवरऑल वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आया वो कितना है, जीरो आएगा। आई थिंक क्या दिया है इसमें आंसर, 8 का आंसर जीरो है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये बात समझ में है ना। 9th का आंसर अब 40 है, वो ध्यान रखते हैं। ओके, अच्छा स्टूडेंट, 9th जो प्रॉब्लम है ना, ये भी अपने आप में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है, मतलब बहुत ही लाजवाब प्रॉब्लम है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब आपके पास माइंड में लॉजिक हो सकता है कि भाई मैं इसको डीवाई ओवर डीएक्स वाले तरीके से सॉल्व कर ले, या ट्रिग्नोमेट्री वाला कोई तरीका लगा दे है ना, या फिर एम जी एम कुछ सोचे है ना, मतलब आपको कुछ भी तरह से तरीका काम नहीं करता। बट अब मैं आपको यहाँ पे जो तरीका सिखाने जा रहा हूँ उस तरीकों को आप बहुत ध्यान से समझना। आपने अगर मतलब जेई एडवांस की अगर तैयारी की है ना, तो एक बार कभी ना कभी आपने इस तरह की प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व किया होगा जो मैं अभी आपको यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, आपको उसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, मान लेते हैं जेड मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट समझो, 3 को क्या है, पहले अंदर भेज दिया तो 9 अंदर जाएगा, तो यहाँ तो क्या बनेगा, √45। ठीक है, √45 यहाँ से आया, 3 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 यहाँ से आ जाएगा, 36 यहाँ से आ गया, और दैट इज कॉस एक्स प्लस साइन। ठीक है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 13 माइनस और 12 साइन एक्स, इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, होल स्क्वायर की बाद में निकाल देंगे नाउ। अब आप यहाँ से पॉइंट समझो, सारा खेल अब यहाँ से आता है। अब देखो, इसका जब मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए तो √45 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ऐसे कुछ लिखा, 2ab। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 36 यहाँ लिखा, सॉरी कॉस ऑफ एक्स यहाँ लिखा। अब 36 मुझे लिखना है, तो 36 में कितना आया, 18 यहाँ आ गया, ये लिखा हमने प्लस साइन। 13 यहाँ लिखा, -2 टाइम्स ऑफ ab 6 और साइन एक्स हमने यहाँ लिखा। अच्छा, यहाँ पे ऐसे क्यों लिख रहे हैं, 2ab का फॉर्मूला, मतलब ये अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए, ये भी होल स्क्वायर बन जाए। अब देखो 18 यहाँ पर लिखा हुआ आपका, 18 के मैं दो फैक्टर्स करता हूँ ताकि यहाँ पे स्क्वायरिंग आ जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाए, या ए इंटू बी बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे आप, 18 है, 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, दो पार्ट में अगर ब्रेक कराएं, 18 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 6 इंटू 3, ऐसे कुछ ब्रेक कर सकते हैं, 6 स्क्वायर और 3 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक बात है, 6 इंटू 3 हमने ब्रेक किया, ऐसे 6 को अगर ब्रेक करें तो 3 इंटू 2 करके ब्रेक कर सकते हैं, ताकि इनके स्क्वायरिंग का सम करें तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। सही बात है, तो हमने क्या किया, इसको ऐसे कुछ ब्रेक किया, तो 45 इसको मैंने लिखा 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यहाँ पे लिखा, -2 टाइम्स ऑफ यहाँ लिखते हैं, और इसको मैंने लिखा 6 इंटू 3 इंटू कॉस एक्स यहाँ लिखा है ऐसे। नाउ प्लस साइन, 13 यहाँ लिखा हुआ है ही, नाउ -2 टाइम्स ऑफ इसको मैंने लिखा 3 इंटू 2, इसमें भी थोड़ी सी होशियारी दिखाई, 2 इंटू 3 लिखा और साइन एक्स लिखा, क्यों लिखा आपको समझाएंगे ना। अब देखो, मैंने कहा 3 cos x को एक टर्म मानने की कोशिश करी, और सिमिलरली 3 sin x को भी एक टर्म माना, 3 cos x 3 sin x।
और यहाँ पे हमने लिख दिया 3 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब 3 स्क्वायर में बात करता हूँ, तो 3 स्क्वायर को मैंने लिखा 3 स्क्वायर इंटू 1 कराएं तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 3 स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो 3 स्क्वायर यहां से लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे कुछ आ जाएगा ना। तो यहां तक की बात हमें समझ में आई। अब देखो पॉइंट को समझो, बहुत ही ध्यान से समझ रहे ना, बहुत ही मस्त और मजेदार प्रॉब्लम है। 6 स्क्वायर तो मैंने यही रहने दिया, ठीक है काम की बात है ना। अब क्या किया हमने, 3 स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स आ रहा था, 3 स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है, तो मैंने क्या किया 3 स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को मैंने यहाँ लिखा, और यहाँ पे कितना लिखा 3 स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ लिखा, और यहाँ पे कितना लिखा वो माइनस का 2a इंटू 6 इंटू 3 sin x मैंने यहाँ लिखा। ठीक बात है, सिमिलरली तो यहाँ पे हमने लिखे हैं तो 2 स्क्वायर तो यहाँ लिखा हुआ है ही, 3 स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को मैंने यहाँ लिखा, यहाँ से कितना आएगा माइनस का 2ab आ रहा है, तो माइनस का 2 इंटू 2 इंटू 3 sin x मैंने यहाँ लिखा, और ये कितना बन जाएगा 3 sin² x, तो ये कितना बन जाएगा 3 cos x बन जाएगा, 3 स्क्वायर cos² x यहाँ लिखा। अब समझना बात को, बहुत ही ध्यान से समझना ना। अब समझो पॉइंट को कि ये लिखा क्या एक्चुअली में, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 6 माइनस ये 3 sin x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, बिल्कुल सही। ये 3 cos x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, बिल्कुल सही। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं 2, या माइनस है ना, 2 माइनस ऑफ 3 sin x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल सही लिख सकते हैं, और 3 cos x का होल स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है, एकदम बहुत बढ़िया है ना। अब इस वाले पॉइंट को समझो कि इसको मैंने क्या किया, 0 माइनस ऑफ 3 cos x का होल स्क्वायर लिखा, और इसको भी मैंने 0 माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर लिखा। अब बच्चों आप सोचो डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या ये डिस्टेंस फॉर्मूला जैसा कुछ दिखाई दे रहा है आपको, मतलब अगर मैं कहूं कि भाई 6, 2 एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट ये लिया, दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिया 3 sin x, 3 cos x, ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा, मतलब 6, 0 इस वाले पॉइंट की बात करूं मैं, भाई 6, 0 थ्री माइनस, तो ये 6, 0 का 3 sin x और 0 है ना, इससे ये 6, 0 का इस पॉइंट से डिस्टेंस लिखा हुआ है। इस वाले की अगर बात करें तो भाई 2, 0 का दूसरे वाले पॉइंट को अगर देखूं तो भाई 2, 0 का इससे डिस्टेंस लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मतलब कि काम की बात क्या रही कि ये तो दो फिक्स पॉइंट होगा, ए और बी फिक्स पॉइंट। ठीक है, बहुत ही मजेदार है ना। और इस वाले प्रॉब्लम को अगर देखें, अगर आपने इसको x माने इसको y माने तो x² + y² बराबर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट तो कहाँ लाई कर रहा है, सर्कल पर लाई कर रहा है, और सर्कल पे लाई कर रहा है जिसका रेडियस कितना है 3 है। ठीक है, तो एक पॉइंट तो आ रहा है 6, 0, रेडियस 3 है तो 0, 2 यहाँ कहीं मान लेते हैं, पॉइंट पी यहाँ चल रहा है, तो भैया हमें क्या चाहिए, ये मिनिमम वैल्यू चाहिए इसका ना, इसका मिनिमम वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना था। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया पॉइंट पी अगर मान लो, तो भाई पॉइंट पी अगर यहाँ कहीं है तो ये पी ए प्लस पी बी, मान लो ये ए है और ये बी है, तो ये पी ए प्लस पी बी मिनिमम कब आ सकता है, जब पॉइंट पी मूव करते करते कहीं ऐसे चलते 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 यहाँ कहीं पहुंच जाए, और तीनों पॉइंट कैसे हो जाए, कोलिनियर, तो पी ए प्लस पी बी का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, ए बी, नहीं तो हमेशा क्या है ट्राइंगल बनेगा, पी ए पी बी, पी ए प्लस पी बी हमेशा ए बी से बड़ा होगा, समझ रहे हो आप मेरी बात को, तो पी ए प्लस पी बी का मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, ए इंटू सॉरी ए बी डिस्टेंस आएगा जब पी पॉइंट यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो ए बी लेंथ में आसानी से निकाल सकता हूँ, 6 - 0 का होल स्क्वायर 36 आ गया, 2 - 0 का होल स्क्वायर 4 आ जाएगा, मतलब √40 आया। ठीक है, ये डिस्टेंस √40 आया, तो इसके स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू पूछा हुआ तो कितना आ जाएगा, 40 आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई, तो क्वेश्चन नंबर 9th का ये आंसर होगा। ठीक है, तो क्या दिया है एक बार चेक करते हैं, तो इसका आंसर कहता है 9th का 40 आंसर, सही है एकदम, बिल्कुल करेक्ट है ना। ओके, ना अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अच्छा, ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी प्रॉब्लम, हाँ सॉल्व कर देते हैं फटाफट से ना। पी एन
अच्छा आपसे क्या पूछा हुआ है, टीएन, तो समेशन ऑफ टीएन ऑफ एंड टीएन से समेशन पूछा हुआ है, एन इक्वल टू समेशन है वो 1 से लेके 30 तक जा रहे हैं ना। ठीक है, तो पहला काम तो देखो क्या करना चाहिए आपको समझ आ गया कि पहले टीएन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा इसको सिंप्लीफाई कराएंगे तो क्या तरीका लगा देते हैं, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये आ जाएगा 60 माइनस ऑफ 2 एन अपॉन में 2 आ गया, माइनस ऑफ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके फिर से फॉर्मूला लगाते हैं 2 cos a cos b का, तो cos ऑफ a प्लस बी अगर मैं लिखूं तो 60 आ जाएगा, प्लस साइन cos ऑफ a माइनस बी अगर मैं लिखूं तो 2 टाइम्स ऑफ n डिग्री आ जाएगा, प्लस हाफ हमने यहाँ लिखा, तो 1 प्लस cos ऑफ 60 यहाँ से आया प्लस 2 टाइम्स ऑफ n डिग्री है ना अपॉन में 2। ठीक ओके, मैं क्यों हंस रहा हूँ, मुझे एक्चुअली कुछ और बात याद आ रही थी ना, तो हमने यहाँ लिखा, ठीक बात है। नाउ 1 प्लस cos ऑफ 60 माइनस 2 n, ऐसे कुछ लिखा, यहाँ cos 60 आ रहा है, cos 60 ना, ठीक है उसका वैल्यू हाफ लिख देते हैं, प्लस का माइनस ऑफ cos 2 n में यहाँ रहने देता हूँ, ठीक है। अच्छा बात को समझो, यहाँ पे हाफ नहीं है ना, गलती से आ गया, और यहाँ कितना आ रहा है, 1 प्लस ऑफ, यहाँ कितना आ जाएगा cos ऑफ 60 प्लस का 2 n यहाँ से आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक की बात तो मुझे समझ में आई है ना। अच्छा 1 और 1 तो कितना हो गया, 2 हो गया, 2 माइनस हाफ कितना आया, 3/2 माइनस हाफ, तो कितना आ जाएगा, ओके 2 माइनस हाफ तो 3/2 आया ना, सही तो लिख रहे थे 3/2 है ना, ओके यहाँ तक की बात हमें क्लियर हुई ना। अब आप पॉइंट को समझिए, cos 2n माइनस cos 2 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, अच्छा cos 2n, इन दोनों में मैं cng का फॉर्मूला लगाता हूँ, cos c + cos d का फॉर्मूला कितना आता है, 2 cos c + d, c प्लस डी कितना हो जाएगा 120/2 करेंगे 60, इनटू cos ऑफ c माइनस डी, ये कट गया, 4n/2 करेंगे तो 2n आ गया, ठीक है ये आया, और माइनस ऑफ cos 2n यहाँ लिखा हुआ है, इसको cos 60 का वैल्यू हाफ हो जाएगा, हाफ से आप कटेगा cos 2n से cos 2n कट जाएगा, मतलब 3/2 आया, 2/2 यहाँ लिखा हुआ है, तो माइनस फाइनली इसका वैल्यू कितना है, 3/4 आया, मतलब ये जो लिखा हुआ है एक्चुअली 3/4 लिखा हुआ है। अच्छा 3/4 लिखा हुआ है तो अच्छा गुरु जी ये 3/4 बाहर आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3 आ जाएगा ये तो, है ना, तो 3 तो इसका वैल्यू आया और 3 यहाँ आया और समेशन ऑफ एन आ गया, और एन कैसे वेरी कर रहा है, 1 से लेकर के 30 तक, अच्छा n × n+1 कराएंगे तो 30 31/2 कराएंगे, इंटू में 2 किया तो 2 से तो 2 कट गया, सॉरी 3 कर रहे ना इंटू में, तो 3 कर देते हैं ना, 3 यहाँ से आया, साफ साफ कर देते हैं, पूरा आंसर ही निकालते हैं, ताकि 3 यहाँ से आ गया और ठीक है, यहाँ से 15 आ जाएगा, 15 से 45 हो जाएगा, और 31 × 45 करना है, 45 × 31, तो 1 का किया तो 4, 5 यहाँ से आया, 3 का किया तो 15 यहाँ से आ जाएगा, 1 यहाँ पर आ गया, 12 यहाँ से और 13 आ जाएगा, तो 5 यहाँ से आ गया, कितना जाएगा हमारे पास, 5, 9 यहाँ से आया, 3 यहाँ से आया, 1395 आ रहा है ना, ठीक है चेक कर लेते हैं, अगर आंसर में कहीं गलती हो गई तो फिर आप खुद ही चेक करना ना, क्वेश्चन बहुत आसान है, कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं है, 1395 एकदम सही है ना, बिल्कुल सही। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये डीपीपी अब क्लियर हो गया है ना, तो डीपीपी नंबर 2 हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है स्टूडेंट, तो आई थिंक आपको ये वाली डीपीपी भी सॉल्व करके मजा आ गया होगा ना, बढ़िया प्रॉब्लम्स है, अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप इफेक्टिव तरीके से सॉल्व करिए ना, ओके स्टूडेंट्स थैंक यू।